जनपद की नदियां राप्ती, रोहिन और घाघरा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अब तक जनपद में 51 गांव आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार जिला प्रशासन की तरफ से राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में ADM वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में बहने वाली राप्ती, रोहिन और घाघरा नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। जनपद में लगभग 50 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, 36 गांवों में नाव लगा दी गई हैं तथा 86 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के तहसीलों को अलर्ट कर दिया गया है और राहत सामग्री उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने कहा, जनपद में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, लगभग 50 गांव प्रभावित हैं, 36 गांव में नाव लगी हुई है। आज जिलाधिकारी महोदय और मैं भी क्षेत्र भ्रमण के लिए निकल रहा हूं। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी उप जिलाधिकारी और राजस्व टीम भ्रमणशील रहें। हमारी 86 बाढ़ चौकियाँ हैं, सभी क्रियाशील रहें। बाढ़ से संबंधित जितने भी विभाग हैं वो अलर्ट पर रहें, जिससे कहीं पर कोई किसी प्रकार की जनहानि या कोई क्षति ना हो। सर, अभी तक कहीं से जनहानि की सूचना? अभी तक बाढ़ से लेकर के कोई जनहानि की सूचना नहीं है। राहत वितरण कराया जा रहा है, जो राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित मानदंड के अनुसार है। इसके अलावा कुछ निजी संस्थाएं भी इसमें सहयोग कर रही हैं। गांव को महरूम किया हुआ ऐसा कुछ? अभी कोई गांव महरूम नहीं हुआ है, फिर भी 36 नावें लगाई गई हैं और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।